पढ़ जाओ चल 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 यहाँ के सभी लोग जाएंगे और जितने हमारे किसान साथी हैं और हमारे मजदूर साथी हैं वो अब पूरा समर्थन दे रहे हैं इस हमारे रथ यात्रा को, क्योंकि लोग जो है ना भाजपा गठबंधन से सरकार से बहुत परेशान है। पीछे कांग्रेस सरकारों ने भी बहुत परेशानी में डाल रखा है। आपके विपक्ष की पार्टी है वो कह रही है दो करो, नहीं नहीं डोंग तो वो कर रही है ना, क्योंकि वो जितने भी आप देखो जितने भी समस्याओं के लिए उन्होंने जो भी कुछ किया, लेकिन आज तक धरातल पे उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो केजरीवाल जी थे जो भी एमएसपी पर और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर भी आप आपकी पार्टी नहीं चाहिए एमएसपी पे। आप देखो कि दिल्ली के अंदर जब सरकार आई तो जो एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसका मेन तो यही है ना, किसान को उसका समर्थन मूल्य से न्यूनतम मूल्य सही मिले तो वो केजरीवाल सरकार दे रही है। दिल्ली के अंदर जो बिजली फ्री करने का काम किया वो भी केजरीवाल सरकार ने किया, तो वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर ही आता वो भी। और जो किसानों की अगर फसल का कोई नुकसान हुआ है तो उसमें 20,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम भी बिना बीमा योजना के भी केजरीवाल सरकार कर रही है। और दिल्ली में जो अनाज है वो घर घर पहुंचाने, गरीबों का अनाज घर घर पहुंचाने का काम भी केजरीवाल सरकार कर रही है। स्वास्थ्य को लेकर फ्री की जो दवाइयाँ, फ्री हॉस्पिटल, सब कुछ मतलब 100 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक की जो दवाइयाँ इलाज है वो भी जो है केजरीवाल सरकार फ्री में देने कर रही है। तो यही तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है और क्या। लेकिन ये भाजपा जनपद सरकार ये सिर्फ कहने को कुछ करती है लेकिन करती कुछ भी नहीं है। इनका धरातल में कुछ भी योजना लागू नहीं है। किसानों पर दो पर्चे दर्ज हुए थे वो पर्चे आज तक कैंसिल नहीं हुए, आज तक रिकॉर्ड। ये जो ये उसका बड़ा कारण देखो, ये भाजपा सरकार जो है ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। इसलिए तो जो किसान सेल है जो आम आदमी पार्टी का वो हर हल्के में जाएगा, हर जिले में जाएगा, जो भी किसानों की समस्या है या पिछले दिनों जो हमारे आंदोलन हुए उसमें जितने भी किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए सारी समस्या को एकत्रित करके हम बड़े लेवल पे धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और इन किसानों की आवाज हम सेंटर तक लेके जाएंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किसान एक बहुत बड़ी मुहिम लेके उभरेंगे और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में बनाएंगे और हरियाणा में भी बनाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।